अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो सैदला का तीसरा चैप्टर है इस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, इस्तेलाहात या आमाले दवा साजी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे ये देखिए आमाले दवा साजी, ठीक है, और इस्तेलाहात, ये दो चीज़ें सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये आमाल जो लफ्ज़ बना है वो बना है अमल से, ठीक है, जिसके माने होते हैं प्रोसेसिंग, ठीक, प्रोसेसिंग या और एक्ट या प्रोसीजर ठीक। तो देखिए आमाले दवा साजी, आमाल अमल से बना है, कोई काम, कोई प्रोसीजर, कोई तरीका, कोई एक्ट, ठीक है वो, और दवा साजी मैंने पहले भी बताया है फार्मेसी, ठीक है। तो आमाले दवा साजी यानी दवा बनाने में जो जो तरीके आते हैं, जो जो एक्ट हम परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं आमाले दवा साजी, अमल दवाओं के साथ, दवा बनाने में अमल, ठीक है। अब इस्तेलाहात क्या होती है, इस्तेलाहात का मतलब होता है टर्म या टर्मिनोलॉजीज, एक ऐसा लफ्ज़ जिसके पीछे कुछ बातें हों, ठीक है, कोई काम हो, ठीक। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग पारिभाषिक शब्द, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो अपने आप को बयां करता हो किन्हीं चीज़ों में, ठीक। तो ये जो आमाल हैं इनके एक एक लफ्ज़ होते हैं, उनके एक लफ्ज़ बनाए गए कि अगर आप उस टर्म का नाम सिर्फ बोल दें तो आपको उनके काम के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ इस टर्म के माने ये काम होता है, यानी ये अमल होता है जो हम दवाओं के साथ करते हैं, ठीक है, उस टर्म के बिना पर, ठीक। और यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और ढेर सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें, और एक एक करके हम लोग उनको पढ़ेंगे कि इस लफ्ज़ के माने क्या होते हैं और उसमें क्या अमल किया जाता है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहली टर्मिनोलॉजीज़, दक व रज, ठीक है, दक और रज, ठीक। तो दक और रज के माने होते हैं कूटना और कुचलना, किसी भी दवा को कूटने की ज़रूरत पड़ती है और कुचलने की, ठीक। और ऐसा क्यों करते हैं हम, ये कूटने और कुचलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें दवाओं का जो शांदा या खिशांदा बनाना हो, जो शांदा या खिशांदा बनाना होता है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, जो शांदा और खिशांदा, तो इनका भी अलग टर्म है, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना जानिए कि हम दवाओं को पानी में पकाते हैं, उबालते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं ऐसा हम, ऐसा इसलिए कि जो दवा पानी में पकेगी या पानी में भिगाई जाएगी उसकी दवाई अज्जा यानी दवा के असर पानी में आ जाएं, पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएं, इसलिए हम इस काम को करते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो हम लोग चाय बनाते वक्त अदरक को कुचलते हैं ताकि अदरक के असरात या उसके अर्क चाय में आ जाएं, ठीक है, चाय में आ जाएं, ठीक। तो सेम वही प्रोसेस, जैसे हम दवाओं को कूटते हैं ताकि उसके अज्जा या उसके असर उस पानी में आ जाएं जो हम जुशांदा या खिशांदा बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे अभी कि ये क्या होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, इनका अलग टर्म है, ठीक। तो यह है दग और रज, यानी दवाओं को कूटना और कुचलना, ठीक, यानी दवाओं को नीम कूप करना, अदरक जैसे कुचला हुआ है तो आधा कुचला यानी अध कुचला अदरक, यानी इसको टर्म दिया था नीम कूप, किसी भी दवाओं को अगर आधा कुचल दिया जाए, पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ अध कुचला, तो उसको कहते हैं नीम कूप करना, ठीक है। तो अगर इसको, अगर ये टर्म आपका आ जाए एग्ज़ाम में लिखने को तो कैसे लिखेंगे, तो उसमें पूरी डिफिनेशन लिखते हैं कि दवा साजी में बाज़ औक़ात यानी कुछ वक्तों के बाद दवा बनाने के दौर में ये बातें गुजरती गईं, ये काम, तो ऐसे लिखते हैं दवा साजी में बाज़ औक़ात दवाओं को कूटने और कुचलने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो कहलाता है दक और रज, ठीक। तो ये आपकी होगी पहली टर्मिनोलॉजीज़, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया अदरक को जैसे चाय में कूट कर डालते हैं, नीम कूप करते हैं। बात करेंगे दूसरे टर्मिनोलॉजीज़ की, सहक, सहक और यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं पाउंडिंग। दरअसल सहक जो है वो अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके माने होता है पीसना, किसी चीज़ को पीसना,
ठीक है, चाहे वो आप सूखी वो चीज़ पीस लें खुश्क, ठीक है, चाहे वो कोई चीज़ खुश्क हो या किसी सयाल के हमरा या किसी लिक्विड के साथ आप उन चीज़ों को पीसें, ठीक है। यानी सहक एक अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके माने पीसने के होते हैं, और हम किसी दवा को खुश्क या किसी सयाल के हमरा पीसते हैं, ठीक है। और इस मकसद के लिए हम कुछ आलात यानी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है सिलबट्टा, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, ये इससे भी दवाएँ पीसी जाती हैं, और या फिर हवन दस्ता, ये लोहे का होता है, इसको कहते हैं हवन, इसको कहते हैं दस्ता, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है लोहे का, इसे भी इस्तेमाल करते हैं हम दवाओं को पीसने के लिए। उसके बाद कुछ खरल होते हैं जो जैसे संग सुमाक यानी सुमाक का पत्थर, उसका खरल है, उससे भी हम दवाओं को पीसते हैं। उसके बाद संग स्याह, ठीक है, इससे भी हम दवाओं को पीसते हैं, और संग मरमर, ये तीसरे टाइप का खरल। तो इन पाँच चीज़ों से हम दवाओं को पीसते हैं, और इस टर्म को हम कहते हैं सहक, पाउंडिंग, ठीक है। और सबसे अच्छा जो खरल होता है ये संग सुमाक का होता है, क्योंकि इनके पत्थरों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग होती है, जिससे आप दवाओं को अगर पीसते हैं तो इनके जो पत्थरों के टुकड़े हैं, जो चूर हैं इनके, रगड़ कर टूटते नहीं, ठीक है। और बकिया जो ये दोनों हैं इसमें थोड़ा कम टूटते हैं, लेकिन इसमें संग मरमर में हल्का हल्का इनकी निचली जो अंदर की परत है वो टूट कर दवाओं में मिलने भी लगती है, तो ये कमज़ोर बॉन्डिंग के होते हैं, ठीक है। और जो सुमाक का पत्थर होता है वो कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग का, इसलिए सबसे बेहतर जो खरल माना गया है वो है संगे सुमाक का। तो ये पांच आलात हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब तो मशीनें भी आ गई किसी चीज़ को पीसने के लिए, तो आज के दौर में यानी मॉडर्न टाइम में अब मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग बर्द की। बर्द के माने होते हैं बुरादा करना, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी दवाएं इतनी सख्त होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि हमें उनको पीसना दुश्वार हो जाता है, ठीक है, पीसने में मुश्किल होती है, तो हम उन दवाओं का बुरादा बनाते हैं, ठीक है। बुरादा बनाने के लिए हम उन दवाओं को रेती से, ठीक है, रेती से रगड़ कर उनका बुरादा हासिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दंदाने फील, हाथी का दांत, और कुचला यानी नक्स भूमिका, और संदल यानी चंदन, ठीक है, इनकी लकड़ियाँ, इन सब को बुरादा बनाने के लिए हम रेती का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है दंदाने फील, हमने इसे रेती से इसके किनारों को रगड़ दिया और इससे इसका बुरादा हासिल कर दिया, तो ये कहलाया बुरादा दंदाने फील, ठीक है। यानी बर्द में सख्त दवाओं का पीसना दुश्वार होता है, इसलिए हम कुछ दवाओं को बुरादा करके इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चौथी टर्मिनोलॉजीज अजाबत यानी मेल्टिंग, ठीक है। अजाबत के माने होता है पिघलाना, किसी भी दवा को पिघलाना, ठीक है। कोई भी मुंजमित दवा यानी जो थोड़ी सी जमी हुई हो, यानी मुंजमित सेमी सॉलिड, ठीक है, किसी भी मुंजमित दवा को आग पर गर्मी पहुंचाकर आग की हरारत से उसे पिघला दिया जाता है, तो ये अमल अजाबत कहलाता है, मेल्टिंग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी दवा हम यूँ पिघलाते हैं, जैसे मोम या घी या किसी जानवर की फैट्स, चर्बियाँ, ठीक है, ये चीज़ें हम पिघलाकर इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसी मुंजमित दवा को आग की हरारत पर रखकर पिघलाना अजाबत या मेल्टिंग कहलाता है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ टर्मिनोलॉजीज इतफा की। इतफा का मतलब बुझाव देना, किसी दवा का बुझाव देना। अब क्या करते हैं इस अमल में किसी दवा को आग पर गर्म करके उसे किसी सयाल यानी किसी लिक्विड के हमरा बुझाव देते हैं, उस गर्म दवा को इसमें डालकर बुझा देते हैं, तो इसको कहते हैं बुझाव देना। तो इतफा के अमल में हम दवाओं को आग पर गर्म कर किसी सयाल के हमरा बुझाव देते हैं, तो ये अमल कहलाता है इतफा। उम्मीद करते हैं कि ये पांच टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अच्छा, सिलेबस में इस चैप्टर से पहले दो और चैप्टर दिए हुए हैं, औज़ान अदविया यानी दवाओं का वज़न नापतोल।
ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर है दवाओं का हुसूल, यानी कहाँ से हासिल करते हैं, और दवाओं का तहफ़ यानी प्रिवेंशन, कैसे हम उन्हें स्टोर करते हैं। तो ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कुल्यात अद्विया में, ठीक है। तो ये दो चैप्टर मैं सैदला में नहीं पढ़ाऊँगा, उन्हें आप कुल्यात अद्विया में पढ़ सकते हैं। तो कुल्यात अद्विया में उन दोनों चैप्टर की वीडियोज़ आएंगी, और चैनल का लिंक अपने बैचमेट और जूनियर को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई 5 टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Yeah.